हाँ तो भाई लोग, आप लोगों को ना सबसे पहले ना जय श्री राम। और मैं ना अभी बात करने वाला हूँ एक ना मूवी के बारे में, जिसका नाम है अरनमई 3, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। गोल्ड माइन के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो मोटा मोटी अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसकी स्टोरी लाइन के बारे में, कैसी है मूवी। कमेंट में सबसे पहले जय श्री राम लिख देना। मूवी की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है, मतलब चलो मोटा मोटी बात कर लेते हैं, एक ना गांव में दिखाया जाता है, एक ठाकुर है और उसकी चलती है। अभी वो एक मंदिर में जाता है एक शादी समारोह में, उसको वो लड़की पसंद आ जाती है, वो उससे कर लेता शादी। हालांकि वो लड़की किसी और से प्यार करती थी, जो कि मंदिर का पुजारी था, उसके जो लड़का है उससे प्यार करती थी जिससे शादी हो रही थी। लेकिन अभी वो अपने ताकत के दम पे कैसे भी उसे शादी कर लेता है। फिर उसको पता लगता है कि इसके पेट में बच्चा है, फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन एक्चुअल में जब डिलीवरी होती है, फिर पता लगता है कि जो बच्चे की शक्ल है, उसके कुछ हाव भाव जो है, मतलब कुछ निशानियाँ वगैरह, उस बंदे पर गई है जिससे उसकी शादी होने वाली थी। अभी वो गुस्से में उसको ना मार के दफना देता है, उसकी बच्ची को भी ख़त्म कर देता है, और वो भैया जो महल था उसी के अंदर उनको दबा देता है बच्ची को, और जो वो जो औरत थी उसको मार के मंदिर के अंदर बंद कर देता है। वहाँ पर गांव वाले मतलब केस कर देते हैं, क्योंकि वो दरवाज़ा खोलने नहीं दे रहा था किसी को। गांव वाले आखिर में वो केस जीत जाते हैं, उसके बाद में वो दरवाज़ा खुलता है, उसके बाद में जो आत्मा है वो फाइनली आउट हो जाती है, मतलब आज़ाद हो जाती है। उसके बाद में जो अभी अपना जो लौंडा है, जो ठाकुर है, उसको परेशान करने लगती है, धीरे धीरे उसके लोगों को मारने लगती है। हालांकि अगर देखा जाए तो सही भी था गलत भी था। अभी जो उसकी लड़की थी वो महल के अंदर बंद थी, उसके बाद अभी उसको ना पता लगता है भाई अभी ये सीन चल रहा है। तो ठाकुर सीधा जाता है पुजारी के पास और उसको बोलता है कि मेरे साथ ये हुआ है और मेरे को तुम्हें बचाना पड़ेगा। फिर वो जो आत्मा है वो किसी और की बॉडी के अंदर, यानी जो आर्या है उसकी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है। आर्या मतलब जो अपने मूवी का हीरो है, जो कि इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है वैसे तो, लेकिन जो राशि खन्ना है ठाकुर की लड़की, उस पर लाइन मार रहा है पूरी तरीके से उसको पटाने के चक्कर में। अभी वो जंगल में उसके साथ जाता है और वहाँ पर वो जो आत्मा है वो आर्या के अंदर चली जाती है। वो ना मारने की कोशिश करती है, लेकिन भैया पुजारी वहाँ पर बच जाता है, ठाकुर वहाँ से बचकर भाग जाता है। लेकिन अभी फाइनली जब पता लगता है कि भाई ये तो पुजारी की ही बहू है, लड़के की, उसके बाद में फिर वो कहानी बताती है कि कैसे कैसे क्या क्या धोखा हुआ है, ठाकुर ने क्या धोखा किया है। जो बच्चा है वो उसके लड़के का था, यानी कि उसका पोता था, जिस पोती थी मतलब जिसको मार के दबा दिया महल के अंदर। उसके बाद में जब वो पुजारी का जो लड़का है वो मरा, वो कैसे मरा उसके बारे में बताती है। हालांकि जब वो मरता है, मरती है औरत, तो जो पुजारी का लड़का है जो कि उससे शादी करना चाहता था, वो उसकी जो बॉडी है उसको निकाल के ले आता है। उसके बाद में कुछ विधि और क्रिया वगैरह करता है कि उसको दोबारा से ज़िंदा किया जा सके, लेकिन जो क्रिया है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। फिर उसके बाद में उसका जो पूरी तरीके से रूप था वो आ नहीं पाता है, एक अजीब सा मतलब एक रूप होता है, मैं मतलब मुंह पे तितली तितली सी या कीड़े वीड़े से मतलब कुछ ऐसे दिखते हैं। वो डर जाता है, भाग जाता है उसको छोड़ के। फिर फाइनली लास्ट में अभी वो चाहती थी उसको मारना, राशि खन्ना को, जो कि किसी और की लड़की थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जो ठाकुर है उसने उसकी लड़की को मार दिया, तो वो चाहती थी कि राशि खन्ना की बॉडी के अंदर जो उसकी लड़की की आत्मा है उसको अंदर जो प्रवेश करने के बाद वो जो राशि खन्ना है वो उस महल की मालकिन रहेगी। तो इसका मतलब उसकी जो लड़की है, जो हवा है, जो चुड़ैल वुड़ैल है, जो भी है उसकी आत्मा उसकी बॉडी के अंदर, तो वो ये सोचेगी कि जो उसकी लड़की है वही राज कर रही है उस महल में। उसका बस यही टारगेट था। दूसरा टारगेट था कि जो ठाकुर है उसको ख़त्म करने के बाद, जो उसने ठाकुर ने उनके साथ गलत किया है उस सब का बदला लेना। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हो जाती है, फिर उसको पता लगता है फाइनली। फिर उसके बाद में पुजारी बोलता है कि ठीक है बहू, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरा जो बेटा है उसको भी मैंने मार दिया। फिर ना वो ही वाली प्रक्रिया को स्टार्ट करता है अपनी बेटी की कब्र पे जाके, और उसका जो बेटा है फाइनली उसकी जो रूह है वो बाहर निकल के आ जाती है। हालांकि वहाँ पर जो पुजारी है उसको थोड़ा मतलब ऐसे दिखा देते हैं मिर्गी के दौड़े टाइप में, ऐसा फील हो रहा था कि जो पुजारी है वो अभी इस टाइम पे मर चुका है, लेकिन मरता नहीं है वो। उसके बाद में क्या होता है, वो जो आत्मा है वो और प्लस में जो उसका मतलब आशिक था, वो दोनों जो रूह है वो दोनों मिलके अभी उनको ठाकुर को मारना था। लेकिन एक जो पंडित जी है वो बोलते हैं कि इसका ना एक ही वो है, वो एक जो मंदिर था उसके सामने एक एक काल भैरव करके एक पहाड़ी थी, वहाँ पर ना उनको एक दिया या फिर एक जोत जो है वो उसको प्रज्वलित करते थे। उनका टारगेट था कि अगर किसी तरीके से वो जो रूह जो महल के अंदर लोगों को परेशान कर रही है, अगर उसको हम बाहर निकाल के ले आए तो
इसके संपर्क में आने के बाद उसको मतलब उसका जो भी अपना एक होता है जन्म और मृत्यु का जो एक चक्र में वो फंसी हुई है इस धरती पर, वो उससे आज़ाद हो जाएगी। अभी जो आर्या है वो कुछ ऐसा गेम प्लान करता है जिससे कि वो जो है मतलब बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो आर्या है वो ऑलरेडी वश में था एक आत्मा के। फिर ये जो जिम्मा है वो उठाया जाता है उस जो ठाकुर है, ठाकुर की जो बहन है उसकी जो लड़की है उसका जो पति है उसके द्वारा, क्योंकि उसकी जो पत्नी है वो रह रही है भैया ठाकुर के घर पे ही, और वो जो है वो बंदा वो जा रहा है अपना सारा बिजनेस छोड़ छाड़ के ऑस्ट्रेलिया। लेकिन उसको फिर पता लगता है कि जो राशि खन्ना के साथ हुआ था बचपन में, उसको जो वो हवा दिखती थी लड़की जो कि उसमें बंद थी प्रेतात्मा, तो वो तो ठाकुर उसको बोलता है कि तेरे दिमाग में भूत है। उसको राशि खन्ना को तो भगा देता है, मतलब स्टार्टिंग में हॉस्टल में भेज देता है उसको। लेकिन अभी जो एक तरह से उसकी जो भांजी थी छोटी, उसको वो जो भूत है या चुड़ैल है वो उसको दिखती थी। तो वो अपने पापा को बोलती है कि ऐसे ऐसे कुछ करके उसके साथ घटनाएं हो रही हैं। तो वो बोलती है, वो बोलता है कि अगर ऐसा कुछ है तो अपनी दोस्त को बोलो कि जो चेयर है इसको हिला, तो वो हिलाती नहीं है। फिर वहाँ से वो लड़की छोटी चली जाती है, लेकिन वो बंदा उधर ही बैठा होता है। उसके बाद वो चेयर उठती है, हिलती है, उड़ती है, बहुत कुछ मतलब ऐसा होता है जिसके बाद उसको प्रूफ मतलब मिल जाता है कि हाँ ठीक है, यहाँ नेगेटिव एनर्जी है। अभी उसको अपनी बेटी को भी बचाना था, साथ साथ और भी कुछ मतलब राशि खन्ना है उसको भी बचाना था। फिर पूरी की पूरी स्टोरी वो पता करता है, ये सब चीज़ें उसको पता लगती हैं कैसे कैसे क्या क्या कांड हुआ। तो फाइनली अभी उसको क्या करना था, वो जो रू है उसको निकाल के लेके आना था घर के बाहर, और वो सक्सेस भी हो जाता है उसके अंदर। और वो फाइनली फिर जाते एक मंदिर के अंदर, वहाँ पर जो रू है वो आ जाती है उसकी और उसके आदमी की, दोनों के दोनों मिलके वहाँ पर थोड़ा अटैक टाइप में करते हैं। लेकिन वहाँ पर ना वो उसको ना मार नहीं पाते क्योंकि वहाँ थोड़ा अलग ही लेवल जा रहा था उन दोनों का। अभी वो चाहती थी कि वो जो बॉडी है राशि खन्ना की उसके अंदर अपनी बेटी की जो आत्मा है उसको ना उसके अंदर डाल दे, और जो एक सीन था कि भाई उसकी लड़की को राज करना है उस महल के अंदर, उसका जो सपना था वो पूरा हो जाए और जो ठाकुर है ठाकुर भी मर जाए। अभी वो थोड़ी चारबाजी करके उस ठाकुर को अपने पास बुला भी लेते हैं और फाइनली उसको मारने की कोशिश करते हैं, और देखा जाए तो मार भी देते हैं। लेकिन उसके लिए अभी जो मंदिर का पुजारी है वो बीच में आ रहा था कि राशि खन्ना की बॉडी के अंदर अगर वो आत्मा को एंटर कराते हैं तो आर्या जो है, आर्या की जो आत्मा थी आर्या के अंदर वो भी निकल चुकी थी। अभी आर्या को भी पता लग गया था, लेकिन आर्या भी कभी कभी उनके बस में था। लेकिन फाइनली अभी जो वो उठाना था जिम्मा, वो उठाना था उस भांजी जो है उसके बाप को, वो दौड़ते हुए जाता है जैसे तैसे करके। जो एक ज्योति ज्योति थी जिसको प्रज्वलित करना था, जिसमें आग लगानी थी, वो एक आप बोल सकते हो ढेर सारी साड़ियों का एक समूह बना के एक चोटी टाइप है उस पर रखा हुआ है। उसके बाद में उसमें ना आग लगानी है जिससे कि ज्योति प्रज्वलित होगी जो कि सामने वाले मंदिर में दिखती है। और जो सामने वाले मंदिर में दिखती है तो लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ज्योति प्रज्वलित होगी और कब हमें दर्शन होंगे ज्योति के। और जो वो ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका ऐसा मानना है गांव वालों का, अगर वो प्रज्वलित होती है तो जो पूरा गांव है आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों से बचा रहेगा और जो देवी माँ है उनकी रक्षा करेंगी। फाइनली वो जो ज्योति है वो प्रज्वलित हो जाती है। उसके बाद में थोड़ा VFX का कमाल हमको दिखता है। फिर वो सारी जो एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी वो मंदिर के अंदर जाती है और धीरे 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 जो देवी माँ की मूर्ति है उसके अंदर तक चली जाती है। उसके बाद फाइनली जो शेर है वो आ जाता है VFX वाला निकल के और मतलब उन सबको मार देता है जो आत्मा वगैरह है। फिर मतलब फाइनली उनकी मुक्ति हो जाती है। ठाकुर को वो आत्मा और वो उसका जो आशिक है वो दोनों जो आत्मा थी वो उसको पहले ही मार चुके हैं, और जो उनकी बेटी है उनको भी मुक्ति मिल चुकी है। अब फाइनली बचते हैं राशि खन्ना और उसका जो आशिक है आर्या अपना, वो जो जिसने ये सब जिम्मा उठाया पूरी मूवी का, जो मेन लीड में हीरो का जो करेक्टर है आर्या था वैसे तो, लेकिन वो काम के मामले में देखा जाए तो उस बंदे ने प्ले किया। तो वो बंदा उसके बाद में उसकी घरवाली और वो छोटी सी बच्ची और मतलब सभी लोगों की जो फैमिली है वो साथ साथ मिलके रहने लगती है। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ तो अच्छी मूवी है, देखने को मिलेगा आपको। हालांकि VFX लेवल थोड़ा लो है और कुछ चीज़ें हैं जो कि इलॉजिकल हैं, तो वो मेरे को समझ नहीं आई। लेकिन अगर आप थोड़ी थॉट को अलग रख के और लॉजिक को अलग रख के मूवी को देखते हो, मूवी इंजॉयबल है, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। VFX उतना हाई नहीं है जितने आपकी इच्छा है, लेकिन एक जो यूट्यूब पे मूवी आई है या फिर एक जो साउथ की मूवी है उससे जो अपेक्षा होती है वो आपकी अपेक्षाओं पे पूरी तरह से खरा उतरती है। ऐसे नहीं कि बॉलीवुड वालों की तरह कुछ भी चमका दिया आपको। फिलहाल के लिए, अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।